अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे पुरसरार शख्स की बात करेंगे जो हज़ारों साल से अहले इल्म के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसका नाम था सामरी, जिसे इसकी पुरसरारियत और फरेबकारी के सबब एक अफसानवी किरदार की सी हैसियत हासिल है। मगर दोस्तों, ये किरदार हकीकत में अपना वजूद रखता था, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह ताहा में 3 मर्तबा आया है। सामरी कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया, ये जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं इसके काले करतूतों की। किस्सा कुछ यूं है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल ने मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाई, तो ये वादिय सीना में आकर आबाद हुए। यहाँ अल्लाह पाक ने इन्हें खाने के लिए मनोसलवा अता किया, पानी पीने के लिए 12 चश्मे जारी किए, जबकि साय के लिए इनके सरों पर बादलों को मामूर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल के मुतालिबात रोज बरोज बढ़ते ही गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही इलाही के इशारे से कोहे तूर पर तशरीफ ले गए और वहाँ इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इस एतकाफ की मुद्दत 1 महीना थी, मगर बाद में 10 दिन और बढ़ाकर चिल्ला पूरा कर दिया। इसी मकाम पर तजल्लिय हक और कोहे तूर के रेजा रेजा होने का वाकया पेश आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई। इसी असना में कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से राजो नियाज में मसरूफ थे, एक हैरत अंगेज और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसने बनी इसराइल की जहनियत और इखलाकी पस्ती बेनकाब कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से कबल हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब मुकर्रर किया था और बनी इसराइल से 30 दिन की मुद्दत का कहकर रवाना हुए। लेकिन जब ये मुद्दत 30 से 40 दिन हुई और बनी इसराइल इस ताखीर से मुस्तरिब होने लगे, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए एक शख्स यानी सामरी ने उनसे कहा कि अगर तुम अपने वो तमाम जेवरात मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस ना कर सके, तो मैं तुम्हारे फायदे की एक बात कर दूं। सामरी जाहिर में तो मुसलमान था, मगर इसके दिल में कुफ्र और शिर्क की निजासत भरी हुई थी। बस जब बनी इसराइल ने तमाम जेवरात लाकर इसके हवाले कर दिए, तो उसने इन्हें भट्टी में डालकर गलाया और इससे एक गौशाला यानी बछड़ा तैयार किया, फिर अपने पास से एक मुश्त खाक इसके अंदर डाल दी। इस तरकीब से गौशाले में आसारे हयात पैदा हुए और वो बछड़े की आवाज में यानी भें भें बोलने लगा। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा से गलती हुई कि वो खुदा की तलाश में तूर पर गया, तुम्हारा माबूद तो यहाँ मौजूद है। सामरी की तलकीन पर बनी इसराइल ने बा आसानी इसे कबूल कर लिया और इस बछड़े की पूजा करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर बनी इसराइल ने इनकी एक ना मानी। जब नौबत यहाँ तक पहुँची, तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाकये की इत्तला दी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त रंज हुआ और आप गुस्सा और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और इनसे मुखातिब होकर फरमाया, ये तुमने क्या किया, मुझसे ऐसी कौन सी ताखीर हो गई थी जो तुमने ये आफत बर्पा की। आप अलैहिस्सलाम गैज़ो गज़ब में इस कदर कांप रहे थे कि तौरात की अलवा भी आपके हाथों से गिर गईं। बनी इसराइल ने जवाब दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं, मिस्रियों के जेवरात का बोझ हम पर था जो सामरी ने हमसे मांगकर ये बछड़ा बनाया और हमें गुमराह किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून की जानिब आए और इनकी गर्दन पकड़ ली, तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कोई खता नहीं है, मैंने इन्हें हरचंद समझाया, लेकिन इन लोगों ने मुझे कमजोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल ना नोच और ना दाढ़ी पर हाथ चला और इस तरह दूसरों को हंसने का मौका ना दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जा हुए और इससे पूछा कि क्या ये गौशाला तूने बनाया है। सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इनमें से किसी ने ना देखी थी।
यानी गर्के फिरौन के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान हायल थे। मैंने देखा कि इनके घोड़े के पैरों की खाक में असरे हयात यानी जिंदगी पैदा हो जाती है और खुश्क जमीन पर सब्जा उगाता है। तो मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों से एक मुट्ठी खाक भर ली और इसे बछड़े के मुँह में डाल दिया, जिसके सबब ये भें भें करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे लिए दुनिया में ये सजा तजवीज की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो इससे भागते हुए ये कहे कि मुझको हाथ ना लगाना। ये तो दुनियावी अजाब है और कयामत में ऐसे नाफरमानों के लिए अलग अजाब मुकर्रर है। ऐ सामरी, तू ये भी देख कि तूने जिस गौशाले को माबूद बनाया था, हम अभी इसको आग में डालकर खाक किए देते हैं और इस खाक को दरिया में फेंक देते हैं कि तुझको और तेरे इन मुक्तदियों को मालूम हो जाए कि तुम्हारे माबूद की कदरो कीमत क्या है। ये अनोखा वाकया एक सवाल को जन्म देता है कि ये शख्स सामरी कौन था, सामरी इसका नाम था या लकब। इससे मुतालिक कई रवायात मिलती हैं, जैसे कि सामरी का नाम मूसा इबन जफर था और वो मिस्र में पैदा हुआ, इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दूध पिलाया वगैरह वगैरह। कई मुफस्सरीन इसे सुमेरी कौम का फर्द करार देते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,500 साल पहले इराक में आबाद थी। बाद हजरात सामरी को अहले मिस्र ख्याल करते हैं और कहते हैं कि ये शख्स खुरूज के वक्त बनी इसराइल के साथ हो लिया था। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि सामरी एक ऐसी कौम का आदमी था जो गाय की परस्तिश करने वाली थी। ये किसी तरह मिस्र पहुंच गया और बज़ाहिर दीने बनी इसराइल में दाखिल हो गया, मगर इसके दिल में निफाक था। करतबी की तफसीर में इसे अहले हिंद यानी हिंदुस्तान का रहने वाला भी कहा गया है। दौरे हाजिर के मशहूर स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक आज से 3,500 साल कबल जब आर्या नस्ल के लोग हिंदुस्तान की तरफ महुए सफर थे तो इनके साथ किसी मकाम पर कुछ इसराइली कबाइल भी शामिल हो गए थे। ये तकरीबन वही जमाना था जब मिस्र से बनी इसराइल का खुरूज हुआ। बनी इसराइल की तारीख में इनके कुछ ऐसे कबाइल का जिक्र मिलता है जिन्हें वो अपने गुमशुदा कबाइल कहते हैं। ये वो कबाइल हैं जो सहरा में गुम हो गए थे और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम के वो कहाँ चले गए। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक बनी इसराइल के वो गुमशुदा कबाइल किसी ना किसी तरह आर्याओं के इन गिरोहों से आ मिले थे जो उस जमाने में हिंदुस्तान की तरफ कूच कर रहे थे, और इस तरह आर्याओं के साथ वो लोग भी हिंदुस्तान में आ बसे। डॉक्टर इसरार अहमद के इस गुमान की बुनियाद हिंदुओं और इसराइलियों के रस्मो रवाज और अकायद में पाई जाने वाली गहरी मुशाबहत है। मसलन जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के बछड़े को जलाकर इसकी राख को समंदर में बहाया था, बिल्कुल इसी तरह हिंदू अपने मुर्दों को जलाकर इनकी राख को गंगा वगैरह में बहाते हैं। इसराइलियों ने बछड़े को अपना माबूद बनाया था। हिंदू भी मजहबी तौर पर गाय को मुकद्दस मानते हैं। इसके अलावा हिंदू रिवायती तौर पर अपने लिए वही शौक या जर्द गेरुआ रंग पसंद करते हैं जो कुरान पाक की सूरह बकरा में बनी इसराइल के लिए मखसूस गाय का रंग बताया गया है। फिर सामरी के अछूत हो जाने के तसव्वुर को भी हिंदुओं ने अपनाया और इसके तहत अपने मुआशरे के एक तबके को अछूत करार दे डाला। इसके अलावा डॉक्टर हमीदुल्ला ने भी अपनी किताब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सामरी और छूत अछूत के नजरिए की तौजीह पेश की है, क्योंकि सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से अछूत होने की जो सजा दी गई वो हमें सिर्फ हिंदुस्तानी मुआशरे में ही नजर आती है। दोस्तों, ये दौरे कदीम और दौरे हाजिर से ताल्लुक रखने वाले चंद मौर्रखीन और मुफस्सरीन की आरा थी जो सामरी से मुतालिक बयान की गईं। सामरी कौन था और इसका ताल्लुक किस कौम से था, ये हकीकत अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का मौजू है सामरी। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने ज़ेर नज़र किताबों से मदद ली है और इसके अलावा हमने डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर से भी मदद ली है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में,
वो आप मुलाहजा कर सकते हैं। इसके अलावा सामरी का जो वाकया है वो इस किताब से लिया गया है, इसमें मौजूद है ये सामरी कौन था, पेज नंबर 403 पर। तो ये किताब है कससुल कुरान जिल्द अव्वल, ठीक है जी। और इसके अलावा जो छूत अछूत के नज़रिए की बात बयान की गई है सामरी से मुतालिक और उसका ताल्लुक बताया गया है हिंदू ब्राह्मणियत से, तो ये किताब है मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो इसके 63 पेज पर ये आपको आराम से मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे खोलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है ना दूसरा। तो ये है यहाँ पर बरहमनियत और इसके काफ़ी सारे चैप्टर्स में नज़र डाली गई है, तो ये इस किताब से हमने मदद ली है इसको बनाने में। और इसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर से भी मदद ली है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे, डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।